हैं कि इतना ही नहीं, शरीर में कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम ये एक घटक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विज्ञान के हिसाब से, जो मैं कहना चाहता हूं, भागवत जी ने तो 3,500 साल पहले कह दिया, आज का विज्ञान उसको प्रूव कर रहा है, कंफर्म कर रहा है वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको 20ों नहीं 85ों बीमारियां आएंगी। कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो 85ों बीमारियां आएंगी। क्या क्या आ सकता है? हर तरह का दर्द आपको होगा, हर तरह का, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का। हड्डियों की जितनी विकृतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं, रक्त के रोग, खून की बीमारी। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए। जो विज्ञान आज का कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। ये 12-15 साल का रिसर्च है, एक वाक्य में मैंने खत्म कर दिया। कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए, फैट्स आपके शरीर में डिजॉल्व होते रहे और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहे तो कैल्शियम चाहिए। माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए। अब इसके बारे में भागवत जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूव किया, भागवत जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, दूध, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। फिर आपने खाया संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खट्टे फल, आम वगैरह वगैरह, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है, केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है। तो ऐसे जो फल हैं इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है, जठर अग्नि भी तीव्र रहती है, बाकी सब फंक्शन ठीक है। लेकिन जैसे ही